हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। आज हमारे पास ऑरिक टेलीफोटो लेंस से रिव्यू के लिए यह है एपेक्सल 6x20 क्लोज रेंज टेलीफोटो लेंस। इट्स अ यूनिक टेलीफोटो लेंस। इससे पहले जो भी टेलीफोटो लेंसेज की रिव्यू हमने करी है, ये उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। आगे वीडियो में आपको पता चलने वाला है। नाउ लेट्स क्विकली अनबॉक्स द प्रोडक्ट और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलता है। सो ये है एपेक्सल 6x20 क्लोज रेंज टेलीफोटो लेंस का बॉक्स। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या कुछ चीजें मिलता है। सो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है क्लॉथ का एक बहुत ही प्रीमियम सा केस, तो इसको भी ओपन करते हैं। और इसके अंदर हमें मिल जाता है हमारा मेन यूनिट जो कि है एपेक्सल 6x20 क्लोज रेंज टेलीफोटो लेंस, एक यूनिवर्सल क्लिप और एक क्लीनिंग क्लॉथ। नाउ ये एक यूनिवर्सल क्लिप है और इस क्लिप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने लेंस को किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो लेंस माउंटिंग थ्रेड है वो हमारे लेंस के ऊपर नहीं है बल्कि हमारे क्लिप के ऊपर है। अभी अगर हम अपने लेंस को देखें तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा लेंस है हमारा, इस स्ट्रैप के साथ आता है। और एपेक्सल के बाकी लेंसेज की तरह ही इस लेंस का भी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है। कम्प्लीटली मेटल फ्रेमिंग में बना है ये लेंस और इसको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से कैप्सूल प्रोटेक्ट किया गया है। नाउ इस लेंस का जो कैप है वो थोड़ा सा यूनिक है और यही वजह है कि हमारे जो लेंस माउंटिंग थ्रेड है वो हमारे लेंस के ऊपर ना होकर हमारे क्लिप के ऊपर है। जनरली जब हम लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो कैप्स है उसको हम कहीं पर खोल के रखते हैं, जिसके वजह से काफ़ी टाइम हमारे जो कैप्स है वो कहीं पर खो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आते हुए एपेक्सल ने यहाँ पर इस यूनिक कैप्स को बनाए हैं, जिसको आप अपने लेंस से डिटैच करने के बाद ये जो स्ट्रैप है इसके ऊपर बड़ी ही आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो जब आप अपने लेंस को इस्तेमाल करेंगे तो आप इन कैप्स को इस स्ट्रैप के ऊपर फिक्स करके रख सकते हो और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। ओके, सो ये एक टेलीफोटो लेंस है और इसका मैग्नीफिकेशन है 6x। 6x जो मैग्नीफिकेशन है वो खास करके क्लोजअप फोटोग्राफी, जैसे कि कोई बटरफ्लाई, फ्लावर या फिर पोर्ट्रेट, इस तरीके की फोटोग्राफी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। तो जब आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ्रेम के चारों तरफ एक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है और उसको रिमूव करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2x डिजिटल जूम करना पड़ेगा। नाउ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 2x डिजिटल जूम करने से हमारी फोटो का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। ओबियसली फोटो का क्वालिटी थोड़ा खराब होगा, लेकिन आज के दिन में जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सभी लगभग 2x तक लॉसलेस जूम के साथ आ रहा है, यानी कि 2x डिजिटल जूम करने तक आपकी फोटो का जो क्वालिटी है वो ज़रा भी ख़राब नहीं होता है। मैं यहाँ पर Realme 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें 2x डिजिटल जूम करने तक फोटो का क्वालिटी में मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ जैसे कि इस लेंस के नाम में है क्लोज रेंज टेलीफोटो लेंस, तो इस लेंस से आप काफ़ी क्लोज फोकस कर सकती हो। इस लेंस के ऊपर आपको एक मैनुअल फोकस रिंग मिलता है जिससे कि आप फोकस को पास या फिर दूर लेकर के जा सकती हो। इस लेंस का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से। तो इस लेंस से आप काफ़ी अच्छा क्लोजअप फोटोग्राफी, जैसे कि कोई बटरफ्लाई का, फ्लावर का या फिर कोई ड्रैगन फ्लाई का, इस तरीके की काफ़ी बढ़िया क्लोजअप फोटोग्राफी कर सकते हो और वहाँ पर आपको एक काफ़ी डीप बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। और क्लोजअप फोटोग्राफी के साथ साथ आपको इस लेंस से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन रखकर आप अपने पोर्ट्रेट फोटो में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हो। तो नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फिर इंस्टाग्राम रील्स जैसे वीडियोस आप इस लेंस से काफी बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मैं आपको इस लेंस के टेलीफोटो रेंज का एक आइडिया दे देता हूँ। नाउ उसके बाद बात करते हैं आउटपुट इमेज क्वालिटी के बारे में। तो आउटपुट इमेज क्वालिटी के बारे में कुछ भी बात करने से पहले आप इन सैंपल शॉट्स को देख लीजिए। ओके, सो इस लेंस के आउटपुट इमेज क्वालिटी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करी है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे टेलीफोटो लेंसेज इस्तेमाल करी हैं, बट इस लेंस का जो आउटपुट इमेज क्वालिटी है वो सच में काबिल तारीफ है।
जो फोटो ये लेंस प्रोड्यूस करता है वो काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा क्लियर रहता है। जनरली टेलीफोटो लेंसेस में एक प्रॉब्लम होता है कि जो फोटो आप कैप्चर करते हो उसमें आपको ज्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलता है, और सैंपल फोटोज को देखकर आपको इतना तो आइडिया मिल गया होगा कि इस लेंस से जो फोटोज आप कैप्चर करने वाले हो वो काफी ज्यादा शार्प होने वाला है। उसके अलावा इस लेंस में जो ब्लरी एज का प्रॉब्लम है वो लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। हर एक टेलीफोटो लेंस में ब्लरी एज का प्रॉब्लम होता है जो कि कोने के एरिया को सॉफ्ट कर देता है, लेकिन इस लेंस के जो फोटोज है उसमें आपको काफी कम ब्लरी एज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो क्रोमेटिक एब्रिएशन है वो भी लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल जो फोटोज आपको इस लेंस से मिलने वाला है वो काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा क्लियर होने वाला है, और एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से इससे आपको काफी बढ़िया फोटोज मिल जाएंगे। नाउ इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी यूनिक एंड हाई क्वालिटी टेलीफोटो लेंस जिसको कि आप जरूर परचेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप apexl.in के वेबसाइट से इस लेंस को या फिर स्मार्टफोन के लिए किसी भी तरीके के लेंस या फिर एक्सेसरीज को परचेस कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, इस लेंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, सी यू सून।